नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एसीसी आमित कुमार है और मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ कंसोलिडेशन का कंसेप्ट, गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट। तो ये कंसेप्ट तब आता है हमारे दिमाग में जब हमें पता लगता है कि पेरेंट और सब्सिडरी आपस में लेन देन करते हैं। तो हमें अलग से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड सेल किए या सब्सिडरी ने पेरेंट को गुड सेल किए। अब दोनों जब आपस में लेन देन करते हैं तो डेटर्स और क्रेडिटर्स या रिसीवेबल्स और पेबल्स भी एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। तो कंसोलिडेशन का कंसेप्ट है कि वे एलिमिनेट एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड लाइबिलिटी ऑफ अनदर ऑन कंसोलिडेशन। जब हम कंसोलिडेट करते हैं पेरेंट और सब्सिडरी को, तो आपस में इनका कोई भी एसेट या लाइबिलिटी है, एक एंटिटी का एसेट है दूसरी का लाइबिलिटी है, वो कैंसिल हो जाता है कंसोलिडेशन के वक्त पे। अब ये कैंसिलेशन करने के लिए हम रिसीवेबल्स और पेबल्स भी आपस में देखते हैं, तो पता लगता है कि आपस में जो इनका लेन देन था उसमें रिसीवेबल्स और पेबल्स में कुछ अमाउंट में फर्क आ रहा है। अगर सेम अमाउंट होगा तो हमारी जिंदगी आसान है, हम आसानी से कैंसिल कर देंगे एसेट एक साइड से और लाइबिलिटी एक साइड से कैंसिल कर देंगे, तो कंसोलिडेशन के टाइम पे कैंसिल हो जाएंगे ये। पर पता लगता है कि रिसीवेबल्स का अमाउंट पेबल्स के अमाउंट से ज्यादा है, कि जो सब्सिडरी पेबल्स रिकॉर्ड करके बैठी है वो कम है और पेरेंट रिसीवेबल्स ज्यादा अमाउंट का रिकॉर्ड करके बैठा है। अगर इन्होंने आपस में लेन देन किया है तो अमाउंट भी सेम होने चाहिए, तो ये फर्क किस बात का? तो फर्क इस बात से है कि गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट हुआ होगा। तो क्यों फर्क आ गया? या तो पेबल्स घटे हुए हैं या रिसीवेबल्स बढ़े हुए हैं। रिसीवेबल्स कब बढ़े हुए होंगे? जब पेरेंट ने गुड्स डिलीवर कर दिए। तो जैसे ही पेरेंट ने गुड्स डिलीवर किए, पेरेंट ने तो अपनी बुक्स में रिसीवेबल्स को डेबिट कर दिया और सब्सिडरी को वो गुड्स मिले नहीं है। सब्सिडरी को गुड्स मिले नहीं तो वो कैसे अपना पेबल्स बढ़ा दें और कैसे अपनी इन्वेंट्रीज बढ़ा दें? दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि सब्सिडरी ने पेमेंट कर दी हो, तो सब्सिडरी ने अपने पेबल्स घटा दिए, पर पेरेंट को कानो कान खबर भी नहीं है कि पैसा आने वाला है, वो कैश इन ट्रांजिट है। तो सब्सिडरी ने तो जैसे ही पेमेंट की उन्होंने अपने पेबल्स घटा दिए और कैश भी घटा दिया, और पेरेंट को ना तो कैश मिला और ना ही वो अपना रिसीवेबल्स घटा पाए। तो दो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ये ज्यादातर ईयर एंड रिपोर्टिंग के टाइम होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज करने वाले हैं और उसी दौरान ये लेन देन हो जाते हैं। अब पेरेंट ने तो गुड्स डिलीवर कर दिए, सामने वाली पार्टी को मिले नहीं, हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, इन्वेंट्री को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, पता लगता है इन्वेंट्री ही हवा में है या इन ट्रांजिट में है। दूसरी साइड जब हम कैश का कंसोलिडेशन करते हैं, पेरेंट और सब्सिडरी का दोनों का कैश हमने ऐड करना होता है, पता लगता है कैश ही गायब है। एक एंटिटी कहती है मैंने दे दिया, दूसरी कहती है मुझे मिला नहीं। गुड्स के मामले में भी यही हो जाता है, एक एंटिटी कहती है मैंने तो डिलीवर कर दिया, दूसरी कहती है मिला नहीं। अब हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं, क्या करें अगर गुड्स इन ट्रांजिट है कैश इन ट्रांजिट है? तो हम अज्यूम कर लेते हैं ऐसे जैसे जिस एंटिटी ने गुड्स रिसीव करने थे वैसे अज्यूम कर लेगी कि जो जैसे गुड्स मिल गए हों तो क्या एंट्री होगी, और जिस पार्टी ने कैश रिसीव करना था वैसे अज्यूम कर ले कि कैश मिल गया हो तो क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी। तो जिसने अज्यूम करना है कि गुड्स रिसीव कर लिए होंगे, उनको अपनी इन्वेंट्रीज बढ़ानी होगी और साथ में उनको अपना पेबल्स बढ़ाना होगा। दूसरी पार्टी जिसने कैश रिसीव करना है वैसे अज्यूम कर ली थी कि कैश रिसीव हो गया तो अपना रिसीवेबल्स घटा देंगे और कैश को अपनी बुक्स के अंदर बढ़ा देंगे। तो गुड्स एंड कैश इन ट्रांजिट ट्रांजिट अजम्पशन के बेसिस पे हम अकाउंटिंग कर लेते हैं। कैसे दिखाई देगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बार देख लेते हैं। तो गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट की वजह से रिसीवेबल्स और पेबल्स के बैलेंसेस जो एक दूसरे के साथ जो डील करने वाले हैं उसमें फर्क आ जाता है। मान लो रिसीवेबल्स पेरेंट की बुक में दिखाई दे रहे हैं 50,000 और पेबल्स सब्सिडरी की बुक में दिखाई दे रहे हैं 40,000। अगर ये सेम अमाउंट होते हैं तो हमारी जिंदगी थोड़ी सी आसान होती, हम सीधा सीधा एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड लाइबिलिटी ऑफ अनदर गेट्स कैंसल्ड ऑन कंसोलिडेशन का प्रिंसिपल लगा के हम इसको कैंसिल कर देते और हमारी अकाउंटिंग हो जाती। बट दुविधा तब खड़ी होगी जब दोनों का फिगर अलग अलग है, तो कैंसिल कितना अमाउंट करें और कैसे करें, ये दुविधा उत्पन्न हो जाती है। जिसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि जैसे पेरेंट ने जो गुड्स डिलीवर किए थे वो अज्यूम कर लेते हैं कि सब्सिडी को मिल गए हैं। अगर ऐसा अज्यूम करेंगे तो इन्वेंट्रीज बढ़ जाएंगी और इन्वेंट्रीज 10,000 से बढ़ गई और साथ में उनका पेबल्स भी इंक्रीज हो गया। अब इससे हुआ क्या कि जो पेबल्स 40,000 पे दिखाई दे रहा था वो 10,000 के बढ़ने से पेबल्स 50,000 पे आ गया और रिसीवेबल्स और पेबल्स बराबर हो गए। बराबर होते ही हम अपना प्रिंसिपल लगा देंगे एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड लाइबिलिटी ऑफ अनदर गेट्स कैंसल्ड ऑन कंसोलिडेशन। यही दुविधा हमें कैश इन ट्रांजिट के दौरान हुई। ट्रेड रिसीवेबल्स तो कहता है कि 50,000 मैं मांगता हूँ सब्सिडरी से, सब्सिडरी वाले कहते हैं कि नहीं हमने तो 40,000 ही देने हैं। दोनों में फर्क आ गया तो कैंसिल भी नहीं कर पाए ऑन कंसोलिडेशन। तो हमने अज्यूम किया, सब्सिडरी से पता किया कि क्या दिक्कत है,
क्यों ये डिफरेंस है? सब्सिडरी ने बोला कि हमने तो पैसे दे दिए, पेरेंट कहता है पैसे मिले नहीं। तो हमने जब पता किया तो पता लगा कैश इन ट्रांजिट है, अभी बीच में ही है कहीं, या तो बैंक के पास पड़ा होगा या चेक क्लियर नहीं हुआ होगा, कोई भी वजह होगी जिसकी वजह से ये कैश इन ट्रांजिट है। तो हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं जैसे कैश आ गया होगा पेरेंट की बुक्स में। जैसे ही अज्यूम किया तो कैश भी बढ़ गया 10,000 से, जो कि गायब था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये भी कम दिखाई दे रहा था, और ऊपर से रिसीवेबल्स जो 50,000 दिखाई दे रहे थे उनको कम कर दिया, ये मान के कि कैश मिल गया इनके इनके मुकाबले में, जो कैश हमें मिलना था वो मिल चुका है। तो रिसीवेबल्स और पेबल्स बराबर आ गए 40,000। अब दुविधा सारी दूर हो गई, अब हम अपना प्रिंसिपल कंसोलिडेशन लगा सकते हैं कि एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड लाइबिलिटी ऑफ अनदर गेट्स कैंसल्ड ऑन कंसोलिडेशन। और ये जो हम ट्रीटमेंट करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट का, कंसोलिडेशन के वक्त हम फेस ऑफ द बैलेंस शीट करेंगे। हमें क्योंकि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग एंट्रीज करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट ये एडजस्टमेंट्स कर देंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे? एक तरफ इन्वेंट्री बढ़ा देंगे, एक तरफ हम रिसीवल्स तो बढ़ा ही हुआ था, पेबल्स को बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिकली रिसीवल्स और पेबल्स बराबर हो गए। दूसरी साइड क्या करेंगे? हमने कैश बढ़ा दिया, ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट आप कैश को इंक्रीज कर दीजिए, और दूसरी साइड रिसीवल्स आपके बढ़ी हुई अमाउंट पे, उसको रिसीवल्स को डायरेक्टली हम 10,000 से कम करते हैं, तो रिसीवल्स और पेबल 40,000 पे आ जाते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट के केस में रिसीवल और पेबल 50,000 पे आ जाते हैं, और कैश इन ट्रांजिट के केस में रिसीवल और पेबल इस एग्जाम्पल के तहत 40,000 बराबर हो जाते हैं। और अब हम जैसे ही हमने गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट ट्रीट कर दिया, उसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होती है, हमने अगला स्टेप भी लेना है। वी नीड टू एलिमिनेट एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड लाइबिलिटी ऑफ अनदर ऑन कंसोलिडेशन। तब हम रिसीवेबल और पेबल का पूरा अमाउंट एलिमिनेट करेंगे बैलेंस शीट से। दिस इज हाउ वी डील विद गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट। फॉर मोर वीडियोज एंड इनसाइट्स ऑन IFRS एंड Ind AS, फॉलो अवर चैनल, विजिट अवर वेबसाइट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर कोर्सेज। बी इन टच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।